बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। डियर स्टूडेंट, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द इम्प्योरिटीज इन वाटर। एज यू नो दैट स्टूडेंट, वाटर इज़ एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड कैन डिजॉल्व अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन टू इट। वेन इट फ्लो थ्रू द अर्थ सर्फेस, इट डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट एंड अदर सब्सटेंस। वाटर पोल्यूटन अकर वेन अनडिजायरेबल फॉरन सब्सटेंस आर इंट्रोड्यूस इन टू नेचुरल वाटर। The substance that cause water pollution are called water pollutants. These pollutants in water are dangerous for human, animals, as well as harmful for crops. We also discuss some of the sources of water pollutant, such as domestic waste and agriculture waste. What are domestic waste? Domestic water pollutants are mainly caused by sewage. What is sewage? Sewage is a waste derived from home, school and offices, etc. It include human excreta, soap, waste food and detergent, etc. Second one, agriculture waste. In modern agriculture, manure, pesticide and fertilizer are used for better yield of crops and vegetables. Pesticide and fertilizer contain poisonous chemical compound. Their excessive and improper use can cause water pollution. They are carried by rainwater into river, stream and canal, and thus water pollution occur. So student, in this lecture we discuss about the third main source of water pollution that are called industrial waste. What are industrial waste? Student, जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको उनकी एक हाई डिमांड होती है कूलिंग पर्पज़ के लिए या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए। उनको हाई मकदार में क्या चाहिए होता है? वाटर चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं बच्चों कि वो आपके पास वाटर या तो रिवर से, किनाल से, स्ट्रीम से या अंडरग्राउंड किसी भी सोर्स से वाटर को लेते हैं और उसको कूलिंग पर्पज़ के लिए या क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करके उस गंदे पानी को अक्सर क्या करते हैं, दोबारा उसी सेम सोर्स के अंदर क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं। इंडस्ट्रीज हैव हाई डिमांड ऑफ वाटर फॉर कूलिंग प्रोसेसिंग and for cleaning purpose. Most of it is taken from the adjoining river, canal, stream or underground source and again discharged into the same source laden with the toxic chemicals. बच्चों, industrial जो waste होता है उसके अंदर बहुत toxic compound present होते हैं, जैसा कि टॉक्सिक कंपाउंड कुछ एलिमेंट के मैं आपको बता देता हूँ। मरकरी के कुछ कंपाउंड होते हैं, कैडमियम के, लेड के, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना बच्चों, वो टॉक्सिक एलिमेंट के कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं जो आपके पास जो टॉक्सिक होते हैं? वो आपके पास मरकरी, कैडमियम, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इसके अलावा इसमें कुछ एसिड्स भी हो सकते हैं, बेसिस भी हो सकती हैं, डाइज भी हो सकती हैं, और आयल और ग्रीस वगैरह भी प्रेजेंट होता है। तो बच्चों, इंडस्ट्रियल वेस्ट में मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताए। फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रीज जितनी भी होती हैं उनको क्लीनिंग या कूलिंग पर्पज़ के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी सोर्स से वाटर लेते हैं और अगेन जो उनका आलूदा पानी होता है वो सेम सोर्स के अंदर दोबारा गिरा देते हैं, जिसके अंदर आपके पास टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। टॉक्सिक कंपाउंड किन किन एलिमेंट के होते हैं? मरकरी, कैडमियम, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इसके अलावा एसिड, बेसिस, ड्राइज एंड ऑयल एंड ग्रीस भी उनके अंदर शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन। व्हाट आर एसिड रेन? जैसे कि स्टूडेंट, हमारे पास कुछ फैक्ट्रीज़ और कुछ इंडस्ट्रीज हमारे पास हवा के अंदर एसिडिफाइंग गैसेस रिलीज़ करती हैं।
वो गैसेस कौन कौन सी होती हैं? वो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होते हैं या ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र होते हैं। ऑक्साइड कहते हैं नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगाओ उसको कहते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन लगाओ उसको कहते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। ये गैसेस जो होती हैं बच्चों आपके पास रेन के अंदर, रेन वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं, डिज़ाल्व होकर रेन वाटर को क्या कर देती हैं, एसिडिक बना देती हैं। और एसिडिक बनाने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। सम इंडस्ट्रीज इमिट इन एयर अ ग्रेट वेराइटी ऑफ एसिडिफाइंग गैसेज सच एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर। दीज गैसेज डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड मेक इट एसिडिक। एसिड रेन कॉजेज एसिडिफाइंग ऑफ स्ट्रीम, रिवर, लेक्स एंड आल्सो डैमेज प्लांट एंड एनिमल्स। एसिड रेन जो होता है बच्चों आपके पास स्ट्रीम हो गए, रिवर्स, लेक्स, इन सब को क्या कर देती हैं, एसिडिक बना लेती हैं, और इसके अलावा प्लांट और एनिमल को भी या ये डैमेज कर देती हैं। स्टूडेंट एसिड रेन आपके पास फॉर योर एग्ज़ाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लीनिंग ऑफ वाटर। बच्चों जैसा कि हमने पिछले क्लासेस के अंदर पढ़ा के वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, जो हम पीने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं उसमें भी आपके पास, वो भी आपके पास कंटामिनेटेड हो सकता है, उसके अंदर भी आपके पास इम्प्योरिटीज़ वगैरह हो सकती हैं। इम्प्योरिटीज़ के अलावा उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरसेस वगैरह हो सकते हैं, तो उनको पीने से पहले क्या करना चाहिए, उनको प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करके उनसे इम्प्योरिटीज़ वगैरह को वहाँ से रिमूव करके पीना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आपके इस लेवल पर हमारे पास दो मेथड्स बताए गए हैं जिसकी मदद से हम वाटर से इम्प्योरिटीज़ वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। तो वो मेथड हमारे पास है, फर्स्ट वन डिस्टिलेशन, सेकंड वन है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। स्टूडेंट सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी कंटामिनेटेड एंड रिक्वायर्ड एप्रोप्रिएट मेथड टू ट्रीट टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड डिजीज काजिंग एजेंट। वेरियस मेथड आर यूज टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, द फर्स्ट वन इज़ डिस्टिलेशन एंड सेकेंड वन इज़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट वन को डिस्कस कर लेंगे, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन क्या होता है चलिए देख लेते हैं। वट इज़ डिस्टिलेशन? डिस्टिलेशन इज़ स्टूडेंट अ सेपरेटिंग टेक्निक। ये आपके पास चीज़ों को सेपरेट करने का एक टेक्निक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम शायद फिल्ट्रेशन वगैरह पढ़ लिया था, तो सेम उसी तरह है फिल्ट्रेशन में भी हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर भी हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक विच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर हमारे पास क्या करता है, ये वर्क करता है। चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिस्टिलेशन इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक विच कैन बी यूज टू सेपरेट अ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्राम अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। बच्चों ये आपके पास एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से सेपरेट करते हैं, एक ऐसा मेथड जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से रिमूव करते हैं या सेपरेट करते हैं, उस मेथड को कहते हैं डिस्टिलेशन। अब ये वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस क्या हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस बच्चों उन सब्सटेंस को कहते हैं जो आपके पास ईजीली एवेपोरेट हो सकते हैं, ईजीली आपके पास गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ, पेट्रोल को अगर आप ओपनली छोड़ दें तो वो इजीली क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, एवेपोरेट हो जाता है। तो जितने भी आपके पास लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं, सॉलिड और लिक्विड में सबसे ज़्यादा एवेपोरेशन जिसकी होती है वो आपके पास लिक्विड होती है और सॉलिड उसके बाद आते हैं। तो यहाँ पर अगर वाटर के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जो सॉलिड फॉर्म में हैं और उनको हम सेपरेट करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपने वाटर को गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने से हमारा वाटर बॉयल हो जाएगा और बॉयल होने के बाद हम दोबारा उसको अगर कंडेंस कर लें तो हमारे पास दोबारा प्योर वाटर आ जाएगा, और जबकि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो उधर ही
रह जाएंगी क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हो जाएगा। होगी क्लियर बात? अच्छा, अभी तक हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया कि डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से सेपरेट करने ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर दो बेसिक प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट वन बॉइलिंग एंड सेकंड वन कंडेंसेशन। बॉइलिंग कैसे होता है और कंडेंसेशन क्या कैसे होता है? बॉइलिंग सिंपल, उसको एवेपोरेट करने के लिए लिक्विड को बॉयल करना, और कंडेंसेशन कहते हैं उसको दोबारा ठंडा करना। ठीक है, वर्किंग पे आते हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। वर्किंग में बच्चों, जो आपके पास अमूमन जो पानी होता है उसके अंदर क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ डिज़ाल्व हुई होती हैं, और वो इम्प्योरिटीज़ जो सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ डिज़ाल्व हुई होती हैं उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। पानी के अंदर साल्ट वगैरह, आयरन वगैरह, या मिनरल्स वगैरह, या और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ डिज़ाल्व होती हैं सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। अभी मैंने शुरू में बताया कि जितनी भी सॉलिड होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, नॉन वोलेटाइल। आपने क्या करने है कि इम्प्योर वाटर को हीट करके हीट करने और उसको बॉयल करने, बॉयल करने के बाद वो आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर को आपने दोबारा कूल करने, कलेक्ट करके उसको दोबारा कूल करने। इससे क्या होगा, दी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस उस बर्तन के में ही रह जाएगा, और आपके पास वाटर, क्लीन वाटर आपके पास दोबारा, फ्रेश वाटर या क्लीन वाटर आपके पास बग़ैर उस सॉलिड के इम्प्योरिटीज़ के आपके पास आ जाएगा। सो इन वर्किंग ऑफ डिस्टिलेशन, ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज़ वाटर आर डिज़ोल्व इन वाटर इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड डेड सॉलिड आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। एज यू नो दैट इम्प्योर इन दिस मेथड इम्प्योर वाटर इज हीटेड टू मेक इट बॉयल एंड इट्स वेपर आर कलेक्टेड एंड कूल अगेन। द नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस रिमेन बिहाइंड इन द फ्लास्क, एंड दैट्स वाई वी कैन क्लीन आर वाटर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। स्टूडेंट, ये सेटअप आपके पास जो है, ये डिस्टिलेशन का सेटअप है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ इसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। इसके अंदर आपने इम्प्योर वाटर को डालना है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। इसको आपने हीट करने, बर्नर से हीट करेंगे तो आपके पास वाटर एवेपोरेट होकर यहाँ इस पाइप से आएगा। जब इस पाइप से आपका वाटर पास होगा तो यहाँ पर इसके साथ कूल वाटर को ऐड किया जाता है। कूल वाटर से क्या कर दे, कंडेंसर के तौर पर होते जो इस वेपर्स को क्या कर देते, दोबारा ठंडा कर देते, और दोबारा ठंडा करने से वो आपके पास दोबारा वेपर्स जो होते हैं दोबारा वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से आप पानी को गर्म कर रहे हैं, वाटर एवेपोरेट होकर आपके पास वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और वेपर को दोबारा आप कूल करके दोबारा उसको वाटर बना रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर जितने भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ वगैरह होंगी वो यहाँ इस बीकर के अंदर रह जाएंगी, और आपके पास क्लीन वाटर यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। तो ये आपके पास डिस्टिलेशन का एक सेटअप है जो आपने याद रखना है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स हमारे पास है। फर्स्ट मेन पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। स्टूडेंट, इंडस्ट्रीज हैव हाई डिमांड ऑफ वाटर फॉर कूलिंग प्रोसेस एंड फॉर क्लीनिंग पर्पस। मोस्ट ऑफ इट इज़ टेकन फ्रॉम रिवर, कैनाल, स्ट्रीम एंड अंडरग्राउंड सोर्स, एंड अगेन डिस्चार्ज इट इनटू द सेम सोर्स विच कॉन्टेन टॉक्सिक केमिकल। इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉन्टेन हाईली टॉक्सिक कंपाउंड ऑफ मर्करी, कैडमियम, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। सेकेंड मेन पॉइंट इज एसिड रेन। सम इंडस्ट्रीज इमिट इन एयर ग्रेट वेराइटी ऑफ एसिडिफाइंग गैसेज सच एज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। दीज गैसेज डिजॉल्व इन रेन वाटर टू मेक इट एसिडिक। एसिड रेन काज एसिडिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम, रिवर, लेक्स एंड ऑल्सो डैमेज प्लांट एंड एक्वेटिक लाइफ। स्टूडेंट, एसिड रेन टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थर्ड मेन पॉइंट, वट इज़ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ अ सेपरेटिंग टेक्निक विच कैन बी यूज टू सेपरेट अ वोलेटाइल सब्सटेंस दैट इज़ वन विच एवेपोरेट ईजीली फ्राम अ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्टिलेशन।
आपने एसिड रेन और डिस्टिलेशन दोनों की डेफिनेशन याद रखनी है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्टिलेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। फोर्थ पॉइंट, वर्किंग ऑफ डिस्टिलेशन। ऑर्डिनरी इम्प्योरिटीज इन वाटर आर डिजॉल्व सॉलिड विच आर नॉन वोलेटाइल। द इम्प्योर वाटर इज हीटेड टू मेक इट बॉयल, इट्स वेपर आर कोलेक्टिव एंड कूल। एज इट कूल द वेपर कंडेंस इन टू प्योर डिस्टिल वाटर, द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर के मेन पॉइंट इतने ही। चलिए होमवर्क पे आते हैं। होमवर्क है बच्चों आपका, व्हाट इज़ एसिड रेन, व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट। आपने एक इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इसको लाजमी याद रखना है। सेकंड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्टिलेशन एंड ड्रा द डायग्राम ऑफ डिस्टिलेशन सेटअप। जो मैंने आपको डायग्राम डिस्टिलेशन सेटअप की बताई, उसको आपने बनाना है और उसके साथ एक शॉर्ट नोट आपने डिस्टिलेशन के ऊपर लिखना है। आप आज के लेक्चर में आपने दो क्वेश्चन को लाजमी याद रखने हैं, व्हाट इज़ एसिड रेन, व्हाट इज़ डिस्टिलेशन। दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।